हाँ ऋषिक सर। आ गए। अर्णव यस सर। हाँ ऋषि अभी आया बेटा, यस सर। अपने बीच में गायब होकर फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा वो भी। सर लास्ट क्लास ही नहीं ली थी बस मैंने। हाँ उसमें काफी कुछ हो गया ना, आप आई नहीं तो काफी कुछ ये हो गया। तो आप एक काम करो, आज ही क्लास कर लो, ओके उसका निष्कर्ष सर से क्या करना, बीच में एक क्लास कर लेना आधे घंटे की एक घंटे की, उसमें करा दूंगा जब छूट गया था वो, तभी समझ में आएगा। ठीक ओके सर। है, हम लोगों ने लास्ट टाइम कर रहे थे मोलैरिटी, ऋषिक कोई डाउट है आपको उसमें अभी जो ने पिछली बार किया? नहीं सर, असाइनमेंट में बस वो था सर, एक जगह उन्होंने बोला था कि इस वाले कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को लेके इतने मोल्स का वो बनाना, सेम जैसे सर H2SO4 का गिवन था, डाइल्यूशन का दिया हुआ था, तो सर उसमें उन्होंने नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट किए थे, तो सर वो मोलारिटी वाली इक्वेशन लगाई थी वो समझ में। अच्छा हो गया, सर हो गया था कि नहीं हुआ था, हो गया था, लेकिन सर वो आप एक बार समझा दो फिर से कि मुझे क्वेश्चन बताओ तभी तो भागो, मुझे मालूम नहीं किया दिया था उन्होंने। अब एक काम करो, वो देख लेता हूँ, आप करो क्वेश्चन नंबर 1.35 एक्सरसाइज का। 11th हाँ अर्णव यस सर। बुक है ना, जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, यस सर। PDF है सर। हाँ निकालो निकाल लो। सर को और वो आप भी उर्वशी यस सर। बेटा भी क्वेश्चन निकालो जरा फटाफट। हाँ सर है बुक कर। हाँ करो देखो कितना था।
हो पा रहा है? एक मिनट, सर 1.87 ग्राम सर। नहीं मुझे आंसर नहीं मालूम, आपने कैसे किया ये बोलें बस। सर मैंने क्या किया इसमें, सर 25 ml ऑफ 0.75 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा था मोलारिटी सॉल्यूशन से। मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 25 × 0.75 करके, 25 को सर डिवाइड किया पहले तो 1000 से, तो सर नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास आ गया। तो सर उसको CaCO3 के मोलर मास डिवाइड बाय HCl के मोलर मास से इनटू जो गिवन जो मास निकल के आया। अच्छा आप कर लो। सर मैं कर रहा था, मेरा पीडीएफ अभी खोला है। क्या सर कर रहा हूँ, पीडीएफ ही खोला था अभी। अच्छा अभी खुला है आपका। रोशी सर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, भी मैं कराऊंगा, ध्यान से समझ लेना। ओके अर्नो जल्दी करो फिर मैं बताता हूँ उसको। सर कर लो तब तक। हाँ ठीक है कर लो। सर करा दो आप। मैं कराई दूँ थोड़ा रिवाइज हो जाए। अब एक चीज आप समझ लो और भी, हम जानते हैं मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तुम जानते ना, और मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये हो जाएंगे मोल्स और सॉल्यूट। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। अगर मैं ले लूं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, लीटर के बदले ml ले लूं, तो ये हो जाएंगे मिली मोल्स। मतलब मोल्स अपॉन 1000 ना? हाँ मोल्स बाय 1000 या मिली मोल्स। ये बात सुनिए आपको? यस। अगर लीटर तो मोल्स, मिली लीटर तो मिली मोल्स। यस सर। उर्वशी बात समझ में आया आपको? यस सर। अभी हमारे पास यहाँ दो मोल इसके लेते हैं, तो इसका एक मोल लेना पड़ता है, ये तो क्लियर है ना? HCl के दो मोल लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल लेना पड़ेगा। उर्वशी यस सर। अभी हमारे पास HCl के कितने मोल्स हैं? हमसे बोल रहे 25 ml ऑफ 0.75 molar, मतलब ये मोलरिटी और ये वॉल्यूम इन ml, तो मिली मोल्स निकाल दो, मिली मोल्स ऑफ HCl वो कितने हो जाएंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml 25 × 0.75 कितना आएगा ये? 18.75। हाँ 18.75। 18. Yes, sir. 75. ये ठीक आ रहा है? Yes, sir. इतने इसके मिलीमोल्स आ गए, तो इसके कितने मिलीमोल्स होंगे? हाफ इतने मिलीमोल्स। Yes, sir. ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. ऋषिक आपको समझ आई बात ये? सर फिर से बता दो। हाँ सर फिर से बता दो। मैंने ऐसे कहा, ध्यान से देखो, इसके दो मोल लेते हैं तो इसका एक मोल लेना पड़ता है, ये बात क्लियर है? यस सर। मतलब इसके जितने भी मोल्स होंगे उसके आधे मोल होंगे इसके, इसके मोल्स हमारे आए कितने मिली मोल्स, 18.75। यस सर। तो इसके मिली मोल्स कितने होंगे, इतने
यस सर इतना क्लियर है यस सर तो हम लोग कह सकते हैं इसको नारों में मिली मोल्स ऑफ सीओ सीओ थ्री नेडियम इज इक्वल टू 18.75 बाई टू और मोल्स कितने नीडेड होंगे 18.75 बाई टू इंटू 10^-3 मोल ठीक है मिली मोल्स को मोल्स बनाएंगे तो ये करेंगे 1000 डिवाइड और ग्राम अमाउंट इन ग्राम सीओ सीओ थ्री होता है 100 ग्राम अमाउंट इन ग्राम कितना हो गया 18.75 बाई टू इंटू 100 1.875 बाई टू ग्राम समझ में आया यस सर तो 0.93 जो भी आए अर्नब आपको समझ में आए यस सर पक्का यस सर यस सर आपको उर्वशी यस सर समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को नहीं आया तो कोई बात नहीं मैं दोबारा बता दूंगा नहीं सर आ गया थोड़ा आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं एक मुश्किल क्वेश्चन करें क्या यस सर एक करवा दो हैं हाँ सर थोड़ा टफ कर ले अर्नव यस सर चलो आप लिखो आए ना आए कोई बात नहीं क्वेश्चन कोशिश करते हैं लिखो 5 ग्राम ऑफ NaOH इज एडेड टू एम बाय फोर टू 250 ml of m by 4 solution of NaOH. Density is equal to 1.05 gram per ml. Find the molarity of resulting solution. सर ये m by 4 मोलारिटी का सोल्यूशन है हाँ मोलर सोल्यूशन नहीं है मतलब मोलारिटी के लिए m by 4 यूज करते ना सर मोलर सोल्यूशन के लिए क्या रिप्रेजेंट करते थे मोलर के लिए तो करते हैं m by 4 m m m जैसे 1 मोलर सोल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोल इन 1000 ml यस ये तो बताया था पिछली बार आपको मैंने m by 4 का मतलब क्या हो गया 1 by 4 मोल इन 1000 ml तो सर मोलारिटी के बना एक तरह से हाँ ये मोलारिटी है ये सर ये दूसरी चीज किसकी दे रखी है डेंसिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन बन गया उसकी डेंसिटी है ये सर मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 आप प्रैक्टिस नहीं करते घर में तो सर उसका सोडियम का भूल गया था मैं सोडियम का सर 23 हां सर बाकी तो कर लिया ये याद देख लो NaOH का 40 होता है H2SO4 98 HCl 36.5 ग्लूकोज 180
सुक्रोस 342, ये क्वेश्चन नंबर याद कर लो, बार बार सवाल होते हैं ये। सर और पहली डेंसिटी किस चीज की दे रखी हो? पहले एनएच डालने से पहले डेंसिटी है ये, अभी एनएच डालने को डेंसिटी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर ये समझ नहीं आया डेंसिटी क्यों दे रखी है। अरे वो छोड़ दो, क्यों दे रखी है क्या मतलब, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ यस सर। मतलब लैंग्वेज समझ में आ रही है क्वेश्चन की? यस सर। आंसर की चिंता छोड़ दो, वो मैं करा दूंगा आपको और समझा भी दूंगा डिटेल में। मैं नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। Yes, अर्नब आपको बेटा? सर ट्राई कर रहा हूँ। करो करो। उर्वशी? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन क्लियर हो जाए दिमाग में ना, आंसर सिखाना दो मिनट की बात होती है, क्वेश्चन समझना मुश्किल होता है। आप करो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ हो रहा है कुछ? यस सर एक मिनट। चलो करो करो साहब। अगर आंसर चेक करना है, आंसर नहीं मेरे पास, मैं तो ऐसे बनाया है, मतलब मेथड दिख दिया ना। मेरा 0.75 आ रहा है। 0.75 आप लिख लो अपने पास, फिर बाद में जो कहेंगे आप आंसर बना लेना। क्या लिख रहे हो आप? मोलर, मोलैरिटी की यूनिट मोलर होती है ना, मोलर। यस सर। सर ये मैंने बिना डेंसिटी यूज करे करा है। नहीं फिर गलत है आपका, फिर तो काट ही दो। फिर तो काट दो। अर्नव हो रहा है क्या बेटा? यस सर एक सेकंड। हाँ अर्नव। यस सर एक सेकंड। हाँ जल्दी करो बेटा, फिर मैं कराता हूँ। सर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्या बेटा?
सर 2. समथिंग आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है बेटा, सुनाई नहीं दे रही। सर 2. समथिंग आ रहा है। 2. समथिंग मतलब 2.2 मान लो सपोज। यस सर मुझे गलत लग रहा है ये, बाकी देख लेंगे अभी, मतलब आंसर नहीं है मैं तो वैसे ही बना देता हूं क्वेश्चन। चलो मैं करा, तुम ध्यान से देखो उसको। उर्वशी उर्वशी हाँ बेटे ध्यान से देखो, समझने की चीज करो उसको। हमने 5 ग्राम NH ऐड किया है, किसमें ऐड किया है? 250 ml ऑफ M/4 सॉल्यूशन ऑफ NaOH इसमें ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? 250 ml ऑफ M/4 सॉल्यूशन ऑफ NaOH क्या मतलब होता है उसका? बताओ अर्णव, बताओ सर की 250 ml को वो सर 250 ml को हमने नहीं यार भूल गए। ऋषि का बताओ उसका मतलब क्या होता है? सर हमने M/4 मोल्स मोलारिटी का NaOH का सॉल्यूशन का 250 ml ले लिया। क्या सर 250 ml ले लिया हमने M/4 मोलारिटी का। इसका मतलब ध्यान से देखो दोबारा से अभी आप, इसका इसका मतलब होता है M/4 सॉल्यूशन ऑफ NaOH का मतलब होता है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1/4 मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू 10 ग्राम। इतनी बस समझ आई आपको? तो 250 ml और द सॉल्यूशन विल कंटेन 10/1000 इनटू 250 2.5 ग्राम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है सर? ये क्या किया? यस सर। सर एक बार फिर से बता दो। एक बार फिर से बता दूं, मैं इसको बिठा रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ। आपने पिछली क्लास सर वो 10 ग्राम कैसे आया 1/4? एक मिनट देखो, एक मिनट देख लिया। अच्छा ओके सर। सर आ गया। आ गया यस सर। ओके 10 ग्राम से मैं नहीं आ रहा था, वो 1/4 था। ओके सर 1/4 मोल है ना इसलिए 10 ग्राम। यस सर यस। तो मोल्स ओ सॉरी अमाउंट ऑफ NaOH present in 250 ml of M/4 solution is equal to 2.5 gram। इतने पहले से था उसके अंदर? Yes sir। NaOH added is equal to 5 gram। इतना हमने add कर दिया, total NaOH कितना हो गया? 7.5 ग्राम। यस सर। इतनी बात समझ आ गई आपको? टोटल कितना NaOH है सॉल्यूशन के अंदर, मोल्स कितने हैं? 7.5/40 इतने मोल्स हैं। अभी एक चीज और देखो, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी इतनी थी 1.05 ग्राम पर ml और इसका ml इतना था वेट ऑफ 250 ml सॉल्यूशन कितना होगा जा? वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये जानते हो ना? यस सर। तो वेट कितना होगा सॉल्यूशन का? 250 इंटू 1.05
262.5 ग्राम। इसकी इसका वेट कितना था? यस सर। अब आफ्टर एडिंग एनी वेट, टू सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव ग्राम हो गया। ये बात समझ आई आपकी? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वेट इतना है अभी, इसकी डेंसिटी इतनी है, तो वॉल्यूम कितना होगा? मैं इसको डालू जरा थोड़ा सा। सर अब तो डेंसिटी 1.8 हो गई ना। इधर हटा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, इज इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी। इज इक्वल टू 267.5 अपॉन 1.08। ये वॉल्यूम हो गया और मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? वॉल्यूम नंबर मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन 2000। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ऋषि आपको आया समझ में? यस सर। आराम से बोलो, मतलब नहीं आया तो दोबारा बता देता हूं मैं। नहीं सर आ गया। और ऋषि बेटा आपको? सर ये आपने मोरालिटी वाला ये क्या कैसे किया? कौन सा बोला बेटा? जो आपने मोलैरिटी रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन 2000। ये नंबर ऑफ मोल्स थे, ये वॉल्यूम था और डेंसिटी। ओके सर। ठीक है। यस सर। हटा दूं? हटा दूं अभिषेक? एक मिनट सर। सर मैंने क्या किया? सर मैंने वॉल्यूम ही सेम रहने दी। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी ना? हाँ यस सर, वो भूल गया मैं। हटा दूं? यस सर। अच्छा और एक करें मुश्किल क्वेश्चन आप कहते हैं तो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक कर लेते हैं। अर्नव? यस सर। चलो एक और मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सीख जाएंगे हम लोग और भी। डेंसिटी ऑफ अ मेथनॉल सॉल्यूशन इज 0.96 ग्राम। मेथनॉल CH3OH एक्वस सॉल्यूशन 9.96 ग्राम। 0.96 ग्राम पर ml है? हाँ ग्राम पर ml। फाइंड द
मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ट्वेंटी परसेंट एक्वस मेथनॉल सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ है 20% बाई वेट बाई 20% बाई वॉल्यूम। मैं दोबारा लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ आर 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनॉल इज 0.96 ग्राम पर ml। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सर नीचे आपने क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। सर 0.03 आ रहा है। हम्म, सर 0.03 जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट थ्री सर 0.03 जीरो थ्री है सर। चलो देखते हैं अभी आपका है ऋषि कुछ। सर एक मिनट सर, निकलना वाला क्या कर लो बोलो। रोशिया भी ट्राई करो बेटा। यस सर। सर उसमें डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर का क्या यूज होगा? अभी बता दो जो करते हैं तो। ऐसा नहीं यूज वाटर की डेंसिटी का। हम्म, मैंने तो उसका यूज नहीं। सर वाटर की डेंसिटी का यूज है। आप पहले करो अपने तरीके से जैसे भी करते हो, मैं बताता हूं। सर मैंने यूज नहीं किया। कंफ्यूजन हो जाएगा ना बैठे बैठे। प्योर वाटर का
मेरा 5 moles per liter आ रहा है। नहीं नहीं अभी देखो आप। उर्वशी सर 4.3। चलो अब मैं कराता हूँ, देखो मान के चलो लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ml। ये बात समझ आई? यस सर। मतलब 20 ml ऑफ मेथनॉल प्लस 80 ml ऑफ वाटर, तब तो 100 ml बना ना। यस सर। उसकी डेंसिटी है कितनी? 0.96। यस सर। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 96 ग्राम। 96 ग्राम। इतनी बस में आ गई कि नहीं आई? यस सर आ गई। 80 ml वेट का वेट कितना हो गया? 80 ग्राम। ये वाटर डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। 80। तो वेट ऑफ 20 ml ईथर, 20 ml ऑफ मेथनॉल हो गया 16 ग्राम। ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो मोल्स कितने हो गए? हाफ मोल। 16/32 0.5। यस सर। वॉल्यूम 100 ml, तो मोलरिटी कितनी हो गई? 0.5/100 × 1000 सर सही थी मेरी है? सर मैंने यही बोला था। वेरी गुड। अर्ण समझ में आ गया? यस सर। तो डाउट है? नो सर। हाँ नो सर। उर्वशी आपको बेटा आ गया समझ? चलिए वेरी गुड। हटा दूं? हटा दूं? यस सर। हाँ यस सर। अच्छा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मोलैलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000। इतनी बात समझ आ गई? स्मॉल एम से होता है? हाँ स्मॉल एम से होता है। लिख रहे हैं
सर लिख लिया हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं पहले, सर एक बार पढ़ दो। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर टू मेक 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। सर 1/4820 हम 1/4820 1/4820 4830 नो सर वो के ग्राम है सर एक सेकंड। सर 100/482 100 बाय 482 सर 100/482 और वो शिया का उसे है सर एक निकाल निकालो। सर आंसर क्या है? आंसर ये देखो 18 ग्राम ग्लूकोज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए 18/180 मतलब 0.1 मोल। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 - 18 482 ग्राम। तो मोलैरिटी क्या हो गई 0.1/482 2000। तो ये आ गया 100/482। ठीक है समझ में आ गया? हटा दू सर सर क्या बोलो बोलो सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था जैसे पेपर में फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते तो सर कितने डेसिमल प्लेस तक करना है? 2 decimal तक भी निकाल दो। अच्छा ओके सर ठीक है। ये मैं आपको तैयारी कर रहा हूं कंपटीशन के लिए जेईई मेंस के लिए। अगर एक बार सीख जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे आप।
ऋषिक हाँ सर अर्णव उर्वशी मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी आप एक काम कर सकते हो, चाहिए तो आप पुराने पेपर निकाल लो जे मेंस के, उसके अंदर मोलैरिटी मोलैरिटी के जितने क्वेश्चन है सारे कर लो, आपसे हो जाएंगे, जो नहीं होता था मैं से पूछ लो साथ साथ। हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको स्कूल के लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, वो कर दिया आपने क्वेश्चन स्कूल के सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है? यस सर। सर पढ़ दोगे? 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH बाय मास इज हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 800 ml ऑफ सच सॉल्यूशन। अच्छा मेरी आईडी समझ नहीं आती आप लोगों को सर, कुछ कुछ और बीच बीच में नहीं आती। अच्छा अच्छा सर 100 बाय 36 कितना? 100 बाय 36 आप कर रहे हैं? सर कर रहा हूं। अच्छा कर लो।
सर 3000 बाय 1080 आ रही है। 3000 डिवाइड बाय 1080 अब वही आ गया कभी तो ठीक आ रहा होगा। यस सर 100 बाय 36 ही बन रहा है। हाँ वही आ रहा है देखो जी। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 800 इंटू 1.5 सर 1200 ग्राम। वेट ऑफ एनएच कितना हो गया 120 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना रह गया 1080 ग्राम। मोल्स ऑफ एनएच इज इक्वल टू 3 मोलैलिटी की 3 बाई 1080 इंटू 1000 है ना। यस सर इंटू 1000 तो ये कर गया 300 बाई 1080 आएगा सर। वो 100 बाय 36 हो जाएगा ना। हाँ सर उसको 100 बाय 36 कर सकते हैं। 100 बाय 36 हो जाएगा ना सर 3 से। हाँ वही वही आ रहा है सर 3 से कट जाएगा 100 बाय 36 से कट जाएगा। ठीक है आपका इसके मतलब आपको आ गया ये बात आप समझ गए सारी। यस सर बस थोड़ा सर टफ अप दे दो तो है? सर थोड़े कॉम्प्लेक्स वाले दे दो। चलो एक कॉम्प्लेक्स वाला करो। An aqueous solution of NaOH is having the mole fraction of 0.2. Find the molality. Sir, mole fraction वही होता है ना Na plus Nb upon sorry Na upon Na plus Nb. हाँ molality of the solution.
सर 4000 अपॉन 18 आएगा, 4000 अपॉन 18। आपका अर्नो कुछ आया क्या? सर बस कर रहा हूँ, दो मिनट और। दो सेकंड और बस हो रहा है। ठीक है, दो सेकंड लगा लो। और उसी बेटा आपका कर रही हूँ। ऋषि कह रहे थे बेटा आप? नोएडा में। नोएडा में? यस सर। नोएडा में कहाँ पर? 41 सेक्टर 41। ये सोसाइटी में रहते हैं या इंडिपेंडेंट हाउस? सर इंडिपेंडेंट हाउस। अच्छा, रूसी बेटा आप? सर ग्रेटर नोएडा। अच्छा ग्रेटर नोएडा। सर आप कहाँ रहते हो? मैं इंदिरापुरम। अच्छा यस सर 2009 आ रहा है। 2000 आप उसके आधा ही निकालते हो हमेशा? सर वो मैं पूरा कर देता हूँ। चलो रोशि अब देखो, इधर छोड़ दो करना। हम जानते हैं मोलैलिटी क्या होती है। अगर हिंदी में बोलेंगे मोलैलिटी क्या होगी, हम बोलेंगे हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यही बोलेंगे ना? यस सर। हमारा एक को सॉल्यूशन है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए वाटर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम और मोल्स कितने हो जाएंगे? 55.5। इतनी बात सुनिए आपको? Yes, sir. तो अगर मोल्स एनएच के एन हो गए, एन ओब्लिक एन प्लस 55.5 इज इक्वल टू 0.2। अब हमें एन निकालना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एनएच व्हेन द मोल्स ऑफ वाटर इज 55.5। समझ पाए इस बात को? Yes, sir. ऐसे ही किया था आप लोगों ने? नहीं सर। आपने कैसे कर दिया फिर? सर मैंने रिलेशन निकाल लिया सर। सर 4 मोल NOH। 4 मोल कैसे निकाल लिया NOH के आपने? नहीं सर मैंने निकाला सर 1 मोल ऑफ H2O के साथ 4 मोल ऑफ NOH। ना ना ना, वो कुछ गलत निकाल दिया। अभी समझ में आया आपको? यस सर, आपने सर वो 100 ग्राम्स का वो कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर मैं भी अर्नब आपको बेटा निकाल रहा था सर, मैंने इसको एक्स वाई मान लिया दोनों के ग्राम को, 1000 आप, लिया इसको। आपने जो भी निकाला गलत निकाला ना, इसका मतलब तो ये समझ में आया कि नहीं आया सही वाला? यस सर ये आ गया। हां यस सर आ गया। आ गया ना? और रोशनी बेटा आपको? यस सर आ गया। चलिए शाबाश, करा दूं? सर तो n की वैल्यू वही आएगी, मतलब जो n की वैल्यू आएगी वही हो जाएगी, वही मोलैलिटी हो गई। देयर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NOH व्हेन द वेट ऑफ वाटर इज 1 kg। यस सर। आगे बढ़े हम लोग?
क्वेश्चन लिखो। एक मिनट सर, सर एक सर, प्रीवियस वाले का आंसर क्या आया वैसे? किसका? जो लास्ट क्वेश्चन किया था 111 y 13.87। ये क्यों? मैं समझ नहीं पाया क्या कह रही है। पिछले क्वेश्चन का आंसर मैंने बोला था n / n plus 55.5 is equal to 0.2। अब इसे निकालो आंसर। n is equal to 0.2 n प्लस ये कितना जाएगा? 11.1 सर, 11.1 11.10 तो ये आ जाएगा 0.8 n is equal to 11.10 तो n is equal to सर 111 by 8 0.8 111 by 8 आएगा 13.87 है ना सर, वो डिवाइड करके 13.87 आ रहा। हाँ जो भी आया आगे, तो समझ आ गया ऋषि? ऋषि बेटा? यस सर, आ गया समझ। अब इसको करो, सॉरी सॉरी, ये हमारा आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। सर ये वाला चैप्टर हो गया? हाँ बस सर, वो नहीं है इसमें डाल्टन थ्योरी व्योरी, वो पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है। लॉ, वो लॉ वगैरह पढ़ लेना, उसमें कोई ऐसी बात की जो मुझे बतानी पड़ेगी वो हो जाएगा, वो कोई पूछता भी नहीं है। पढ़ लेना, डाउट होगा पूछ लेना, बाकी हमारे तो चैप्टर खत्म हो गया ये। अच्छा ठीक है सर, फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। सर आज क्या कराओगे बाकी टाइम? आज सर ये क्वेश्चंस कराओगे? अभी तो क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन करेंगे कभी, मतलब जो बताना था मोटी तो भी सब आपको आ गया करना। ये करो जरा, सर आपने क्या लिखा? वन मोलर सन आउट ऑफ वन मोलर एंड वन मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH व्हिच ऑफ द सॉल्यूशन विल बी मोर कंसंट्रेटेड? सर वन मोलल। वन मोलल? मोलल यस सर। सर वन मोलर नहीं होना चाहिए? आप बताओ कौन सा होना चाहिए, मेरे को नहीं मालूम अभी। सर मोलर, अर्नब का कहना यह है कि वन मोलल। आपका कहना क्या है? सर मोलर। मोलर? यस सर मोलर। ये ऋषि क्या कहना है? उर्वशी का? सर वन मोलल होना चाहिए। उर्वशी का कहना भी वन मोलल है। आप हार गए, मतलब वोटिंग से। तो अब हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं कैसे होगा ये। ध्यान से देखो, अगर मैं उर्वशी को बोलता हूं, उर्वशी बेटा जाओ वन मोलर NaOH का एक्वा सॉल्यूशन बना लाओ, तो रूसी क्या करेगी? वो करेगी पहले एक मोल NaOH लेगी, है ना, ये हो जाएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH लेकर एक जार ले लेगी जहां पर कि 40, ये 1 लीटर का मार्क है, 1 लीटर। ये 40 ग्राम इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, हिला लिया,
जब मिक्स हो गया तो पानी बढ़ाते 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 यहां तक ले गए और रोक दिया। तो उसने कहा सर मैंने बना दिया 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है। अभी उसको बोला कि 1 मोलर सॉल्यूशन बना दो, तो 1 मोलर कैसे बनाएगी ये क्या करेगी, 1 मोल तो लेने लेना है, पहले ये 1 लीटर का मार्क है, 1 kg वाटर डाल देगी पानी में, मतलब इसके अंदर 1 kg वाटर, वो हो जाएगा 1 लीटर, तो पूरा तो पानी आ गया पहले, फिर 40 ग्राम NaOH डाला, ये हो जाएगा 1 लीटर वाटर प्लस 40 ग्राम ओ NaOH, और इसमें होगा 140 ग्राम ऑफ NaOH प्लस वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। फर्क समझ में आ रहा है आपको सर? तो मोलर हुआ ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। आप पहले बताओ फर्क समझ में आया दोनों बातों का? यस सर, मोलर ही होगा। तो क्या हुआ अर्नव? यस सर, मोलर होगा। मोलर होगा, वेरी गुड। चलो जी ऋषिक, यस सर, यू आर द विनर अल्टीमेटली। थैंक यू सर। आपने काम किया तो आपने समझ तीनों को आ गया ना ये सर? yes, मतलब जो yes. फर्क होगा वो बेसिकली सॉल्यूट का जो वेट है उसी का फर्क होगा। नहीं, सॉल्यूट का वेट तो बराबर है दोनों में, 40 ग्राम ही है। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, जैसे इसमें हमारा जो अगर सर हम दोनों को सेम क्वांटिटीज में कर लें तो सर इसमें 1 लीटर प्लस द वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब उसको सर ML में कर लेंगे, और सर उधर 1 लीटर हो जाएगा, तो सर फर्क उतना ही हुआ ना ML में अगर हम उसको। हाँ वही तो, यहाँ पानी ज्यादा हो गया। यस सर, उधर पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई। यस सर, ठीक है ना? यस सर, पक्का? यस सर। चलो एक 12th की बुक का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 12th की बुक के सामने बढ़िया से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं। पेपर में अगर आया हैं, पेपर में अगर आया तो कैसे लिखेंगे जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था? वो मैं बता देता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा, पहले एक क्वेश्चन कर लो, मतलब ये 12th की बुक का ही है, मैं बुक से निकाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है 2.30 मतलब सेकंड चैप्टर में, आप बुक लेके अभी 12th के क्वेश्चन कर लो सारे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml of 0.15 molar solution in methanol. Calculate the amount of benzoic acid required to make 250 ml of 0.15 molar solution in methanol.
सर ये लास्ट लाइन में जूल्स लिखा है क्या? हम्म, सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? रिक्वायर्ड टू मेक 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मेथानोल, ठीक है? आप 12th पीडीएफ डाउनलोड कर लो ना, क्वेश्चन उसमें देख लो 2.30, ऐसे और भी क्वेश्चन है से 12th में सारे कर लो आप सॉल्यूशन चैप्टर में से। आपकी हाथ का 12th भी हो जाएगी सर। मेथनॉल में मिला है बेंजोइक एसिड। हाँ, और आंसर किसमें बताना है? मोल में, अमाउंट ग्राम में। अच्छा ग्राम में। अर्नव, यस सर, इतनी देर क्यों लग रही है? अब थोड़ा फास्ट करने का डाल लो। समय का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरे। आपका ऋषिक सर, मेरा 0.1 मतलब सर 15 × 122/400। चलो देखते हैं, ठीक ही लग रहा है आपका। जैसे सबसे पहले ये देखते हैं ना, एकदम से आगे से बिना वेट करे हुए, मिलीमोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड 250 × 0.15। हम्म, कितने हो गया ये? 0.15 / 4, yes, sir. इतने मिलीमोल आ गए। और 37.50 × 122 ग्राम। यस सर, तो सर 15 × 122। पहली वाली चीज क्या चाहिए? 37.50। हाँ, ये वाली। यस सर, मैंने आपको बताया था बेटा कि मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं। मोल्स पर 1000। मिलीमोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। जो भी आ जाए फटाफट मिलीमोल्स निकाल दो, मोल्स हो जाएंगे, उससे ग्राम आ जाएगा। 250 नहीं देखा मेरे को, 20 लग रहा था। 250 ml, मेरी रेडियो समझ नहीं पाते सर, वो 20 लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, इतना क्लियर हो गया। यस सर, आप 12th बुक ले लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप जैसे करते हो, उसके पीछे कई सारे क्वेश्चन है, मोलैरिटी मोलैरिटी सारी कर लेना।
हो जाएंगे सारे, ठीक है? बोल तो दो। यस सर। हाँ सर, करते आज हम लोग। सर हम्म, सर मैं कह रहा था इसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे। हाँ चैप्टर 5। वो से मिलता जुलता है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। सर फिफ्थ वाला है कौन सा? स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा ओके, बुक वगैरह ले लेना और पढ़ना थोड़ा बहुत हम लोग कर लेंगे फटाफट। ओके सर, ठीक है। आप भी पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है, बुक डाउनलोड कितनी कर लेना, ठीक है सर? ठीक है, फिर करते हैं। में आपने ग्राम कैसे किया? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू ग्राम। यस सर। ये मोल्स आ गए थे 120 का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया सर, वो भी नहीं दिखा सर। ओके हां ओके सर, मेरे को लगा बस वही सेम लिख दिया। अच्छा हो गया। यस सर। करा दूं? यस सर। ओके, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं करने की भी। आप मेरे को लगता है कि आप अच्छे से सीख गए इसको, आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। हम बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे थोड़े टफ वाले भी, लेकिन आप अच्छे से सीख गए हो, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ठीक है? यस सर। चलिए फिर। सर एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ पूछो पूछो। सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो सेकंड चैप्टर है, हाँ उसमें सर वो वाला पार्ट बता देना सर बाद में, मतलब सर जब पढ़ेंगे चैप्टर तो सर वो सब सेल और शेल ऑर्बिटल। हाँ हाँ वो तो बताना ही है, वो चिंता मेरे छोड़ दो आप। हाँ ओके सर, वो सब छोड़ दो, भले इतना अच्छा करा देंगे कि आपको कोई और नहीं करा पाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। ओके।